फ्रेंड्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस थोड़ा कर लेते हैं। आज इंट्राडे में क्या हो सकता है? आज है 2 दिसंबर, प्राइस गैप डाउन ओपन हुआ एट 18,775 पे, एंड उसके बाद एक सेल ऑफ आया टुवर्ड्स 18,730। ये आपका 15 मिनट का चार्ट है। हम चाहे तो इसको 5 मिनट के चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट बीइंग द केस, ये आपका रेंज हो चुका है। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो इनिशियल सपोर्ट हो सकता है, सपोर्ट एरिया आपका यहाँ पे आ सकता है 18,675 से 18,700 के बीच में। ये हो गया आपका प्रीवियस सपोर्ट जोन का। एंड प्राइस एक्शन के लिए हमें अभी थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आपका ये एक सपोर्ट जोन था कल, जहां पे सपोर्ट लेके ये बाउंस किया था। कल ड्यूरिंग द डे यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस किया था एंड क्लोज इट 18,800। दैट बिकम्स योर रेजिस्टेंस जोन। ये आपका ब्लैक वाला जो है वो आपका रेजिस्टेंस बाय समहाउ ड्यूरिंग द डे। अगर आपको प्राइस एक्शन यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। वायरस प्राइस अगर ये रेंज पे आने के बाद हमें थोड़ा बाइंग का अपॉर्चुनिटीज ढूंढना पड़ेगा। क्या देखना है? प्राइस एक्शन देखना है, कैंडल्स देखना है, थोड़ा थोड़ा बहुत इंडिकेटर देखना है। तो एज ऑफ नाउ यहाँ पे थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है। अभी बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का आप अगर देखोगे, ये भी एक गैप डाउन दिया है। गैप डाउन ओपनिंग एट 43,067.45 पे हुआ है एंड वहां पे एक पिन बार बनाया हुआ है। बाकी का जो कैंडल है, ये कैंडल जितना भी है वो पिन बार के अंदर में ही हुआ है। व्हाट इट मींस, इसका मतलब ये है कि ये जो पिन बार का जो रेंज है, इट हैज बिकम एन इम्पोर्टेंट इवेंट, एक इम्पोर्टेंट एरिया बन चुका है। इसके हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं फॉर ए टारगेट टुवर्ड्स 43,200। यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए इसको प्ले अराउंड करने देते हैं, उसके बाद देखते हैं प्राइस एक्शंस के हिसाब से या इंडिकेटर बेस्ड कुछ। पोजीशन क्रिएट करने का कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है क्या? नहीं। यहाँ पे एनीवे 43,120 के ऊपर हम एक 80 पॉइंट से 100 पॉइंट का एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Whereas, इसका जो बॉटम है आपका 42,960, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है पिन मार का। इसके लो के नीचे हम सेलिंग के लिए थोड़ा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। ये हो गया मोटा मोटा ऑब्जर्वेशन। लेकिन मैं आज क्या करने वाला हूँ? मैं आज ना ही निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ, ना ही मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करने वाला हूँ। आज है करेंसी एक्सपायरी। जैसे कि मैंने बताया था, मैं 3 दिन ही वीकली काम करता हूँ। मंगलवार को फिर निफ्टी एक्सपायरी, थर्सडे को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी एंड फ्राइडे को करेंसी का एक्सपायरी। वहां पे मैं करेंसी एक्सपायरी में एक रेंज ढूंढने का कोशिश कर। अभी आप अगर आप डॉलर रुपी देखोगे, डॉलर रुपी इस करेंटली आपका 81.15 में है। दैट बीइंग द केस, इसका जो स्ट्राइक प्राइस है वो है आपका 81.25 एवरी क्वार्टर में सब है। सो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है 81.25 में, 25 का एक स्ट्राइक प्राइस होगा। एंड 81 का एक होगा, ये
ये रेंज के बीच में ही, ये कोई बड़ी दिमाग वाला बात नहीं है, इसके रेंज में ही क्लोज देना चाहिए 99 प्रोबेबिलिटी में। एक्सेप्शंस ये है, यहाँ पे अगर बड़ा कोई फ्लोज आ जाता है या कोई बड़ा न्यूज आ जाता है, तभी जाके ये इधर 25 के ऊपर क्लोज करेगा या फिगर के नीचे क्लोज करेगा, मीन्स एक्सपायरी। So, यहाँ पे लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो ज्यादा है नहीं। आप अगर देखोगे 81 क्वार्टर कॉल का जो प्रीमियम है वो 0.01 पैसा है, और 81 का जो पुट का जो प्रीमियम है वो 0.5 पैसा है। ज्यादा कुछ एक्टिविटीज मीन्स अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बट फिर भी आप अगर दोनों को शॉर्ट करोगे, 81 क्वार्टर कॉल को शॉर्ट करोगे एंड 81 का पुट को शॉर्ट करोगे, तो आपको करीबन 1.5 पैसा अभी मिल रहा है। हम क्या करेंगे एक्चुअली, आप अगर मेरे को पूछोगे कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करने वाला हूँ। ओवरनाइट में मैंने क्या किया था, 81 क्वार्टर का कॉल पुट को राइट किया था, दोनों को राइट किया था। उसमें एक में मेरे को 6,750 रुपया मिला, दूसरे में मेरे को 3,750 रुपया मिला। कैपिटल ऑफ ओनली 1,60,000, ये देखिए मेरा टोटल कैपिटल 1,00,000, अभी 70,000 के आसपास आ गया, 78,000। तो यहाँ पे मैं, मेरा क्या स्ट्रेटेजी है, मैं पहले ओवरनाइट में मेरे को लगा था कि 81 क्वार्टर के स्ट्रेटेजी के दोनों को कॉल राइट करूंगा तो मेरे को करीबन 13 पैसा 14 पैसा मिल रहा था, एंड शुड नॉट क्लोज बिलो 10। लेकिन ओपनिंग में मैंने देखा कि कॉल को मेरे को कुछ, आप देखोगे ओपनिंग में मैंने उसको क्लोज कर दिया कहाँ पे, 81 क्वार्टर कॉल को एट 1 पैसे में क्लोज कर दिया, एंड 81 क्वार्टर का जो पुट था उसमें मैंने लॉस बुकिंग किया, देयर बाय एक नेट प्रॉफिट आया मेरा, एक नेट प्रॉफिट आया यहाँ पे करीबन 3,000 का। हाँ, दूर का कॉल पुट का भाई था अभी, उसके बाद में बैठ गया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या करना चाहिए। फिर देखते देखते मेरे को लगा, क्योंकि ओपनिंग आपका जो डॉलर भी था वो 81.10 के आसपास का था, दैट मीन कि मैं थोड़ा सा प्राइस को चेक कर रहा था कि क्या कर रहा, क्या ये डायरेक्टली 81 के तरफ जा रहा है, 81 के तरफ जाएगा तो मैं उस लेवल पे, ये इस लेवल पे जब आएगा मेरे को प्रीमियम जो अभी अब पैसा या 1 पैसा है 81 का पुट का, 81 पुट का 0.75 पैसा है, वो आपको ज्यादा मिलेगा, 3 पैसा 4 पैसा मिलेगा। अगर ये प्राइस शार्पली 81.20-85 के आसपास जाता है बाय 11:30 to 12 o'clock, क्योंकि ये जो एक्सपायरी है करेंसी एक्सपायरी का आपका 11:30 से 12:30 के बीच में खत्म, उसके बाद 12:30 के बाद कोई काम नहीं है, डॉलर भी एक्सपायरी दे रिलेटेड कोई काम नहीं है, शांति से चिल मारेगा। दैट मीन द केस आप, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा था क्या ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन प्राइस कंसोलिडेट करके जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैंने फ्रेश इनिशिएट किया 100 लॉट्स, 100 लॉट्स बोले थे 1,00,000 डॉलर के इक्विवेलेंट, जिसका मेरे को प्रीमियम मिला था 1.44 पैसा। 1 लाख में 1.44 पैसा कितना होता है, ज्यादा कुछ नहीं है, 1,444 रुपीस का मिल सकता है। मैं चाहता था तो मेरा एंटायर जो 15 लाख का कैपिटल है पूरा का पूरा यहाँ पे अभी के अभी लगा सकता था, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्या ये यहाँ पे आएगा तो मान लो मैं पूरा का पूरा 15 लाख का कैपिटल को यहाँ पे यूज कर देता हूँ एंड ठीक है मेरे को 1.5 पैसा मिलेगा, दैट इज ऑल्सो गुड। लेकिन ये अगर यहाँ पे आ जाता है बाय 11:30 के आसपास, तब जाके प्रीमियम जो है 5 पैसे 7 पैसा हो जाएगा, उस अपॉर्चुनिटी को आई विल लूज। या अगर ये ऊपर जाके इधर इस एरिया पे आ जाता है, आपका इस एरिया पे आ जाता है, इन सच केस आई विल लूज द अपॉर्चुनिटी टू शॉर्ट द कॉल 81 क्वार्टर का शॉर्ट, जो अभी 1 पैसे के आसपास है, शायद वो 3-4 पैसा जा सकता है, अगर नहीं जाएगा तो यहीं पे अटका रहेगा। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज। तो ये प्रोबेबिलिटी में मेरे को
क्या हो रहा है कि मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्राइस को, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा फंड्स को यूटिलाइज नहीं किया, ओनली 1.5 लाख का, एग्जैक्टली 1.5 लाख भी नहीं, मैंने फंड्स जो यूज किया आप देखोगे 95,000 फंड्स यूज किया। तो 95,000 में अभी है मेरा 3,312। आप सोचोगे इतना छोटा छोटा, यस यही छोटा आपको आने वाले दिनों में मोटा पैसा दे सकता है, कुछ नहीं, छोटा छोटा करके ही आपको पहले छोटा फंड में काम करना है। मैं क्या करूंगा फिर 10:30, 11:30 में मैं कोशिश करूंगा कि ये थोड़ा इधर आ रहा है या उधर जा रहा है, अगर जा रहा है और यहाँ पे प्रीमियम मेरे को दे दो पैसा इधर कॉल पे या पुट पे मेरे को मिलता है तो मैं उसमें शॉर्ट करूंगा। 1 मिलियन पे अगर मेरे को एक पैसा मिलता है तो हो गया 10,000 रुपया, ऑलरेडी मेरा यहाँ पे 3,300 है और थोड़ा यहाँ पे मिलने वाला है करीबन 4,000 और 10,000 यानी 15,000, मेरा जो टारगेट है 15,000 का, उसका ये प्लान है। तो 1% का जो प्लान था वो प्लान मेरा यहाँ पे ऐसा चल रहा है। अभी मैं इंतजार करूंगा कि प्राइस थोड़ा सा, क्योंकि अभी मैं एंट्री मार दूंगा तो जब इधर इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा तब मेरे को एंट्री मारने का अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल नहीं मिलेगा। दिस इज द रीजन आई एम जस्ट वॉचिंग द मार्केट। तो उसके बाद ये जो एक पैसा अगर मेरे को मिलता है 1 मिलियन पे तो 10,000 रुपया, इसका मैं बास्केट में देखते हैं कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस आता है। सपोज मैं मारता हूँ USD INR 81 क्वार्टर कॉल को, करंट कॉल को मैं शॉर्ट करने का है 1 मिलियन, कितना मेरा प्रीमियम लगेगा आप देखो, एक्चुअली 22 लाख लग रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा USD INR 81 हाफ का मैं पुट कॉल को फिर दोबारा बाय कर लूंगा 100,000, मीन्स 1 मिलियन तो मेरा प्रीमियम आ जाएगा 8 लाख। ठीक है, ये तो हो गया वन साइडेड में। मैं अगर 81 का पुट को 2 दिसंबर का मैं शॉर्ट करता हूं यहां पर भी 1 मिलियन, तो फिर 26 लाख का हो गया। एंड USD INR 80.75 के पुट को मैं, दूर का पुट को मैं बाय कर लेता हूँ 1 मिलियन, मींस 100,000 लॉस, तो मेरा ओवरऑल 15 लाख का कैपिटल है। ये करके मेरे को अगर देर पैसा भी मिलता है, देर पैसा मींस कितना हो गया 1 मिलियन पे देर पैसा 15,000, 1%। सो ये एक कैलकुलेशन का है जहाँ पे मेरे को 1% का टारगेट है, कभी कभी मेरे को 1% से ज्यादा भी मिल सकता है, कभी कभी मेरे को 0.5% मिल सकता है। मंगलवार का 1%, गुरुवार का 1% एंड फ्राइडे का 1%, 3% पर वीक, 12% पर मंथ, उसमें भी मैं 50% डिस्काउंट कर लेता हूँ, 6% पर मंथ, तो 6 × 12 is 72% पर एनम। इसको ही प्रैक्टिस में कर रहा हूं। यहाँ पे मेरे को करेंटली पर मंथ 1.5-2 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। मैं इमीडिएटली कैपिटल को बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, तभी जाके 15 लाख का 30 लाख करेंगे। तो जो अभी 1.5-2 लाख मिल रहा है पर मंथ का using this strategy, तब मेरे को 3 लाख 4 लाख मिलेगा, जैसे डबल कर दूंगा। मैं अगर 50 लाख कर दूंगा तो मेरे को 2.5-3 लाख, 6% हो गया ना, 6% का हो गया आपका 50 लाख का 0.06, 6% अगर पकड़ता हूँ तो 3 लाख आता है। मैं अगर 12% करता हूँ तो 6 लाख आता है, यानी probability of मेकिंग मैं जो 1.5-2 लाख का वो मेरा करंट 8-9% का रिटर्न के हिसाब से कर रहा हूँ। तो 15 लाख में
1.5 लाख 2 लाख, तो 30 लाख अगर फंड होगा तो 3 लाख 3.5 लाख, 50 लाख का फंड होगा तो 5 लाख 5.5 लाख पर मंथ। लेकिन मैं इमीडिएटली कैपिटल को बढ़ाना नहीं चाहता, बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर इट फर्दर मोर, एंड आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं कैपिटल को इमीडिएटली क्यों नहीं बढ़ा रहा, बिकॉज आई नीड टू मेक इट मोर सॉलिड। ये जैसे करते करते क्या होगा, बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, तब जाके कैपिटल, जब ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा कैपिटल को डबल ट्रिपल 4 गुना 5 गुना 10 गुना करने में कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये है कि छोटे छोटे कैपिटल में कैसे छोटे छोटे प्रॉफिट को लिया जाए, छोटे छोटे लॉसेस को इनकार किया जाए। सो दैट इज द टारगेट, दिस इज द इंटेंशन ऑफ माय प्रेजेंटेशंस। इसीलिए आज मैं सिर्फ करेंसी एनालिसिस करूंगा, करेंसी में ट्रेड करूंगा, जहां पे मैं आपको 12:30 तक ही इसको ऑब्जर्व करूंगा, उसके बाद चिल मारने वाला हूं। चिल का मतलब ये नहीं कि मैं मींस और कुछ करूंगा, मैं निफ्टी का प्राइस एक्शन देखता रहूंगा, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखता रहूंगा, अदर करेंसी पेयर्स का देखता रहूंगा, क्योंकि जनरली जब हमें कुछ सीखने को आता है ना तो बहुत खुजली होता है कि अरे यार यहाँ पे बाई करना चाहिए, अरे यार यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए, अरे देखो। लेकिन आप स्क्रीन के सामने बैठे हुए हो, आप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड यू आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस, दैट इज द मिलियन डॉलर लर्निंग्स दैट यू कैन डेवलप। आप स्क्रीन के सामने और आपको ट्रेड दिख रहा है, एंड यू डिसाइडेड कि आज मैं ट्रेड नहीं करूंगा, दैट इज द कन्विक्शन यू शुड डेवलप। जैसे आप डाइनिंग टेबल पे लंच या डिनर पे बैठे हुए हो और आपने बोला कि आज मैं सिर्फ उबला हुआ वेजिटेबल्स का कॉन्टिनेंटल बना के हल्का सा नमक और ब्लैक पेपर डाल के मैं खाऊंगा, या मैं थोड़ा सा दूध पीऊंगा, या मैं फ्रूट खाऊंगा, आपके आजू बाजू में चिकन का, फिश का, पनीर का, आपका जो भी फेवरेट है उस प्रिपरेशन का आपके आसपास बैठे हुए हैं, एंड वेदर यू आर इन ए पोजिशन टू कंट्रोल योर लालच, दैट इज द मेन कंसर्न। अभी देखो यहाँ पे आपका 5 मिनट में एक पिन बार आ रहा है, पिन बार आया है, इसके हाई के ऊपर एक अच्छा खासा लॉन्ग बन रहा है, इसके हाई के ऊपर एक लाइन बना देता हूँ, इसके ऊपर एक लॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इसके लिए पहले इसको जाना है, एंड उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें ट्रेड नहीं लूंगा, मैं अपना थ्योरी प्रैक्टिस करता रहूंगा, इसके ऊपर क्या ये जा रहा है, ऊपर इसके ऊपर जैसे जाएगा तो क्या मेरे को 1:2 का रिस्क रिवार्ड दे रहा है या नहीं दे रहा, मैं उसको ऑब्जर्व करूंगा बैठे बैठे। खुद का कन्विक्शन जो है, खुद का जो रिजल्ट जो है, खुद का जो डिसीशन पावर जो है उसको बढ़ाना, इसीलिए आपको स्क्रीन के सामने रहना है, आपको स्क्रीन को एनालाइज करना है, देखना है, कभी आपको एक्शंस लेना है, कभी आपको इंतजार करना है। जस्ट लाइक ट्रेडिंग इज अ फिशिंग गेम, जब तक फिश आपके नेट पे नहीं आएगा तब तक आपको इंतजार करना है, सिमिलरली आपके हिसाब से जब तक नहीं आएगा तब तक आपको इंतजार करना है। यहाँ पे देखो एक पिन बार आया, उसके बाद इमिडिएटली ग्रीन कैंडल नहीं आया, रेड कैंडल आ रहा है, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको सीखना है कि कैसे ये हो रहा है। प्रैक्टिस, एक तो है आपका जो भी सिस्टम है सिस्टम को इंप्रूव करना चाहिए, दूसरा वाला आपके स्क्रीन के सामने रहना चाहिए, कभी कभी उठपटांग ट्रेड आपके सामने आ जाएगा, वो आपको बहुत एंटाइज करेगा ट्रेड लेने के लिए, लेकिन आपको क्या लेना है या नहीं लेना है, दैट इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, आपको नहीं लेना है। जैसे मेरा क्या रिजॉल्व है कि ट्यूजडे को मैं फिर निफ्टी करूंगा, थर्सडे को मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी का करूंगा, एंड फ्राइडे को करेंसी करूंगा, उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस है। ट्यूसडे का अगर फिर निफ्टी है तो मंडे सेकेंड हाफ में मैं थोड़ा फिर निफ्टी को ऑब्जर्व करूंगा, मेरे को लगता है कि आइदर एक टॉप बन चुका है या बॉटम बन चुका है, अकॉर्डिंगली कॉल या पुट को मैं शॉर्ट करके थोड़ा क्वांटिटी, मे बी 20% या 25% ऑफ माई क्वांटिटी मैं शॉर्ट करके जाऊंगा विद ए हेज, ताकि ओवरनाइट में अगर इधर का उधर हो जाए तो आई एम लेस वल्नरेबल टू द चेंजेस। सिमिलरली थर्सडे का एक्सपायरी है तो मैं वेडनेसडे सेकंड हाफ में मेरे को लगेगा कुछ पोजीशंस करना चाहिए तो मैं पोजीशंस करके जाऊंगा। करेंसी का जैसे आप देखोगे आज का एक्सपायरी है, मैंने कल का कुछ पोजीशंस आपको
में देखा ना, जहाँ पे मैंने पोजीशन थोड़ा लेके गया था, कब लेके गया था, आफ्टर 3:30 अराउंड 4 o'clock मैंने उस पोजीशन का इनिशिएट किया था, जस्ट वन डे मीन्स फ्यू आवर्स बिफोर क्लोजिंग ऑफ द प्रीवियस डे। तो उसमें क्या होता है कि आपको अगर बनता है, आपके हिसाब से बनता है, तो आपको पोजिशन लेना चाहिए। अभी देखो यहाँ पे, ये देखो, देखते देखते ये पिन बार के ऊपर चला गया, ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस पिन बार के लो के नीचे एंड टारगेट आपका 1:2 और 1:3 डिपेंडिंग ऑन योर कन्विक्शन पर्पस। सो ये इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड आल्सो द एक्सपायरी में मैं क्या कर रहा हूँ उसका एक प्रेजेंटेशन से आप ध्यान देके दीजिए, देखिए इनिशियली ये आपको अच्छा नहीं लगेगा, मैं गारंटी देता हूँ मेरा ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? यहाँ पे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई मजा नहीं, यहाँ पे कोई रोमांस नहीं है, यहाँ पे कोई हिलेरियस कुछ एक्शन नहीं है, एक्शन पे कुछ ड्रामा नहीं है, इसीलिए आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगने ही नहीं वाला है। एंड आई एम मैं जो ट्रेडिंग का जो पाथ इतने प्रैक्टिस के बाद जो मैं सिलेक्ट किया हूँ, वहां पे ना ही ड्रामा है, ना ही एक्शन है, ना ही थ्रिल है, ना ही मजा है। एक रेंज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद अकॉर्डिंगली पोजिशन, क्योंकि ये सिस्टम अगर मेरे को 1-1% करके महीने का 12%, बट उसका भी मैं 50% ले रहा हूँ, 6% यानी 72% पर है ना, 15 लाख के अगेंस्ट में मेरे को आराम से 7-8 लाख मिल जाएगा। अगर आने वाले दिनों में इसी को मैं प्रैक्टिस करता हूँ एंड वंस ईयर करता हूँ, तो थिंक अबाउट 72 लाख पर एनम, यानी मंथली करीबन 5-6 लाख रुपए का पर मंथ। मेरा ट्रेडिंग ये एम क्या है? मेरा ट्रेडिंग एम तो एक पोजीशन को लेके उसके पीछे नहीं बैठना है, मेरा ट्रेडिंग एम है मेरा जो घर का खर्चा है वो भी चल जाए, मेरा थोड़ा फ्यूचर भी सेफ हो जाए, प्लस मैं ऐसा कुछ करूं जो जैसे स्टडीज हो गया, रीडिंग हो गया, बच्चे के साथ प्ले अराउंड हो गया, ऑल दिस थिंग्स मैं कर पाऊँ। सो दैट इज द मोटिव behind this trading, considering the trading as a career. So, ये presentations अभी के लिए इतना ही, अभी मैं रखता हूँ। Thank you for watching this video.